मुझे लगता है क्योंकि एक डांसर समाज की ओर उनका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक डॉक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डांसर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हम इतनी पुरानी ट्रेडिशन को हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करने में भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस 21st सेंचुरी के ग्लोबल सिटीजन होने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब बहुत ज़रूरी है कि डांसर को सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि आगे पीछे क्या हो रहा है, और मैं अपने नृत्य के माध्यम से इसको इस इशू को कैसे एड्रेस कर सकती हूँ, इस इशू का हल कैसे मैं निकाल सकती हूँ। ये एक बात। दूसरी बात मुझे लगता है, ऑफ कोर्स हिंदू ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ जो कहानियाँ हैं, कहानी है राधा कृष्ण शिव पार्वती, मुझे लगता है इससे भी ऊपर जो है, रिलीजन से भी ऊपर है स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी, जो किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस थीम्स को भी लेके हम इस भरतनाट्यम के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, क्योंकि भरतनाट्यम इट्स नॉट कनेक्टेड टू हिंदुइज्म ओनली। ये सोच हमको बदलना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब डांसर अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझेगी।